ओम साईं राम। होली का त्यौहार तुम्हारे जीवन में कौन से रंग लाएगा, इसके लिए चुनी एक फ़ोटो। जो भी फ़ोटो अच्छी लग रही है आप उसे चुन सकते हैं। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम साईं राम। ओम साईं राम। पहली फ़ोटो। अपना अभिमान भूलकर श्री साईं बाबा के प्रति समर्पित हो जाओ। चिंता से मुक्ति पाने के लिए श्री साईं का स्मरण करें। सफलता आपका भविष्य उज्जवल करेंगी। भूखों को खाना खिलाएं और ज़रूरतमंद को कच्चे चावल और दाल दें। पिछले 2 माह से लंबित कार्य पूर्ण होंगे। आपको खोई हुई चीज़ें वापस मिल जाएंगी। मांगलिक कार्य होगा, किसी संत से मुलाकात होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में अनेक रंग भर देने वाला हूँ। तुम बस देखते जाओ मेरे बच्चे। तुम जितना भी परेशान होते रहते थे, अब वो सारी परेशानी तुमसे दूर जा रही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जो भी चीज़ें चाहते हो अब वो तुम्हें मिलेंगी। और तुम्हारी सारी चिंताएं तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें चिंताओं से मुक्त करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारी सारी मुश्किलों को दूर करने जा रहा हूँ। तुम बस मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे। तुम अपनी दिनचर्या को अच्छा करो और नियमित तौर से हर एक चीज़ करो। जैसे सुबह जल्दी उठा करो। अगर तुम सुबह जल्दी उठोगे तो तुम्हारे बहुत से काम समय पर हो जाएंगे और तुम्हें जो चिंता सताती रहती है उससे भी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। निरंतर चिंता करना भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है मेरे बच्चे। जिस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। और इसीलिए अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हो या खुद को इतना परेशान कर लेते हो, तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिए तुम्हें प्रयत्न करने होंगे इसे ठीक करने के। और इसके लिए तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा, क्योंकि जब तुम सुबह जल्दी उठते हो तो तुम प्रकृति की सुंदरता का अनुभव कर पाते हो जो तुम्हारे मन को प्रसन्न करती है। और जब तुम सुबह उठकर सूर्य देव के दर्शन करते हो तो वो तुम्हारे अंदर के बहुत सारे पापों को भी जला देते हैं। ये ताज़ी ताज़ी पवन तुम्हारे मन को शांति देती है और ये सुगंध तुम्हारे मन को प्रसन्न करती है। इसीलिए जल्दी उठो और उठकर थोड़ा सा व्यायाम या प्राणायाम किया करो और उसके बाद हो सके तो जल्दी से नहा धो लो। इससे ये होगा कि तुम आधे काम सुबह सुबह ही पूरे कर पाओगे और उसके बाद तुम पूजा पाठ करो। भले तुम्हारा जितना मन करता है तुम उतना करो और तुम देखोगे कि तुम्हारा जब जीवन इस तरीके से पवित्रता के साथ शुरू होगा तो तुम्हारा बाकी समय भी अपने आप ठीक होने लग जाएगा। कोई भी परिस्थिति ठीक होने में समय लगता है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम बस धैर्य रखो। ओम साईं राम। ओम साईं राम। दूसरी फोटो। आपके मन में जो इच्छा है वह पूरी होगी। श्री साईं बाबा की कृपा आपको कब और कैसे मिलेगी यह आपको पता ही नहीं चलेगा। गौ माता को भोजन खिलाएं और साईं आप पर दया करेंगे। पूर्वजों के अच्छे कार्य उपयोगी होंगे। शांत रहें, यही फायदेमंद है। दुख समाप्त होगा। अन्य का दान करें। आपके ऊपर श्री साईं का आशीर्वाद रहेगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं मैं उन सब के उत्तर तुम्हें देने आ रहा हूँ। बहुत जल्द तुम मेरा अनुभव करोगे।
या तो मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन दूंगा या तुम्हारी भेंट किसी संत से हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन सवालों के जवाब से भी कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है उन सवालों का हल निकल जाना, और इसीलिए मैं उस सवाल का हल भी निकाल दूंगा। मेरे बच्चे, तुम बस इतना ध्यान रखो कि मैं तुम्हारे सारे संकटों को काट दूंगा। कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, और तुम्हें कोई पवित्र धार्मिक स्थान पर अगर जाने का मौका मिले तो उसे कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से ही तुम्हारे बहुत से संकट दूर हो जाए। इसीलिए तुम ये चिंता मत करो कि वो कौन से भगवान का मंदिर है, हर जगह मेरा वास है। मैं हर वक्त तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारे पूरे परिवार का ध्यान रखता हूँ। वो सभी दीर्घायु होंगे और हमेशा तुम लोग साथ रहोगे। चिंता मत करो, तुम हमेशा ही सारे त्यौहार खुशी खुशी मना पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को मैं दूर करने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है जीवन में, पर अब और नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हें खुशियाँ दूंगा। तुम सदा सुहागन रहो। ओम साई राम। ओम साई राम। तीसरी फोटो। मनोकामना पूरी होगी, आप श्री साई की पवित्रता के कायल हो जाएंगे। आप विपरीत परिस्थिति से मुक्त होंगे, आपको कार्य में सफलता मिलेगी, शीघ्र ही काम खत्म हो जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के 1000 नाम। आपने पूर्व में नियोजित धार्मिक चीज़ें को नहीं किया है, अब उन धार्मिक चीज़ों को करें, फिर सभी चीज़ें आसानी से पूरी हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अगर तुमने किसी भी भगवान से कुछ कहा है कि तुम वो करोगे, तो तुम्हें वो काम पहले अवश्य करना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी सफलता उसी कार्य से रुकी हुई हो, और अगर तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या वादा किया था अपने ईश्वर को, तो बस इतना ध्यान रखो कि तुम किसी भूखे को भोजन करा दो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे ये याद नहीं कि मैंने कब क्या मांगा आपसे और क्या वादा कर दिया, लेकिन अब आप मुझे क्षमा करिए और मेरी भूल चूक को माफ़ कर मुझ पर अपनी कृपा करिए। ऐसा करने पर तुम्हारी रुकी हुई सफलता तुम्हें अवश्य मिल जाएगी मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए ही बैठा हूँ। मेरे बच्चे, तुम थोड़ा समय अपने लिए भी निकाला करो, जहाँ तुम अपने आप को तैयार करो, अपने आप का ख्याल रखो। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, ऐसा करने से तुम अपने आप को सुंदर बना पाओगे, और ख़ुद को सुंदर बनाना कोई स्वार्थी होना नहीं होता मेरे बच्चे, ये तो परम आवश्यक है। क्योंकि जब तुम अपने शरीर को समय दोगे, तो ये शरीर भी तुम्हें अच्छे परिणाम देगा। जो तुम खुद से नफ़रत करते थे, तुम्हें लगता था कि मेरा ये चीज़ सही नहीं है शरीर में, या वो चीज़ सही नहीं है, मुझे तो ऐसा दिखना चाहिए या वैसा दिखना चाहिए, तो तुम इस बात को समझ पाओगे कि तुम जैसे हो वैसे ही बहुत सुंदर हो, और तुम्हारा शरीर भी फिर तुमसे प्रेम करेगा और ये और भी सुंदर होता चला जाएगा। और परमात्मा का नाम लेते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते नाम जाप में कितनी शक्ति होती है। अगर तुमने देखा होगा तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं या भगवान का हृदय से जाप करते रहते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग सी चमक होती है, जो किसी भी साज सज्जा के सामान से नहीं आ सकती, वो तो परमात्मा की चमक होती है। इसीलिए तुम अपना निरंतर जाप करते रहो,
तुम कोई भी भगवान का नाम ले सकते हो, सभी भगवान ईश्वर का तत्व ही है। और साईं साईं भी कहोगे तो मैं तुम्हें इस जीवन से मोक्ष की तरफ ले जाऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास तो रखो। मैं तुम्हारा बाबा तुम्हें कष्टों से पार लगाने ही आया हूँ। जब हरि की कृपा होती है तभी हमें संत मिलते हैं। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानो। मैं तो तुम्हारा बाबा हूँ, तुम्हें कष्टों से बचाऊँगा ही। इसलिए अपने आप को सुरक्षित समझो और चिंता को छोड़ दो और भगवान का निरंतर जाप करो। रामचरितमानस का जो तुम पाठ करते हो ना, वो अवश्य ही पढ़ा करो। कोई भी धार्मिक किताब तुम्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए। हर रोज़ कम से कम एक पन्ना ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो अवश्य। इससे तुम्हारे पूरे दिन की थकान भी मिटेगी और तुम्हें अपने सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ओम साईं राम।